नमस्ते, इंडियन फूड एंड कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक नई डिश के साथ आए हैं। ये वैसे तो महाराष्ट्रियन डिश है और तुअर की फल्ली के जो दाने होते हैं उससे हम ये डिश बनाते हैं, जिसका नाम है लवट की सब्जी। तो लवट की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हैं ये कुछ तुअर फल्ली के दाने, आधा बाउल है। इसके साथ ही हमें एक कटोरी आटा लगेगा, गेहूं का आटा है या फिर आप ज्वार का जो आटा रहता है वो भी ले सकते हैं। साथ ही में जो हमें मसाला बनाना है उसके लिए हमने लिया है एक बड़े साइज का प्याज, एक बड़े साइज का टोमेटो, 5-6 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और हरा धनिया। सबसे पहले लवट बनाने के लिए हम ये जो दाने हैं इनकी बारीक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। और इसके साथ में मसाले के लिए हमने ये जो टोमेटो, प्याज और अदरक लहसुन और ये हरा धनिया लिया है, इसका भी हम अच्छी तरह से मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। देखिए, ये जो तुअर फल्ली के दाने हैं उसकी हमने महीन पेस्ट बना ली है थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में। अभी हम इसके लिए जो प्यूरी लगेगी उसकी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हमने जो टोमेटो लिया है काट के वो मिक्सी में डालेंगे, ये प्याज के टुकड़े डालेंगे, अदरक लहसुन और साथ में हम इसमें 2 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे और इन सब की हम अच्छी महीन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, महीन पेस्ट बनके रेडी हो गई है ये। अभी हम लवट बनाएं। ये जो दानों की पेस्ट है ये हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सबसे पहले, और उसमें हम आटा, हमने जो लिया है 1 कटोरी, वो मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा आटा हमें नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो जो बॉल्स हम बनाते हैं लवट के लिए वो अच्छे नहीं बनते हैं। इसमें हम 1 चम्मच अभी जो हमने महीन पेस्ट बना ली है प्याज और टोमेटो अदरक लहसुन की, वो इसमें डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे हम, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका हम डो बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह से आटा मिला लिया है इसमें, और अभी हम इसके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हम सभी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हमने सभी बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। 1/2 चम्मच ऑयल हमने डाला है इसमें पैन में, और अच्छी तरह से गर्म हो गया है ऑयल। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 तेज पत्ते डालेंगे और अभी इसमें ये अदरक लहसुन और प्याज टमाटर की जो हमने पेस्ट बनाई है वो इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से हम इसे ऑयल में होने देंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे ऑयल में भूनेंगे। देखिए, अभी इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें हम अभी मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना।
स्वादानुसार नमक हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए अभी ये जो ऑयल है ये मसालों से अलग हो रहा है, मतलब मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी हमें जितनी पतली चाहिए उतना हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें मैं 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अभी हम ढक्कन रख के इसे पकने देंगे और अच्छा उबाल आने देंगे। देखिए 2-3 मिनट में ही बहुत अच्छा उबाल आ गया है। अभी हम इसमें ये जो बॉल्स हमने बनाए हैं ये डालेंगे। अभी बॉल्स हमने इसमें डाल लिए हैं और हमें इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी फिर से हम गैस की फ्लेम लो पे करेंगे और इसे उबाल आने देंगे ताकि ये जो बॉल्स हैं अच्छी तरह से पक जाए। और ये सब बॉल्स पकने के बाद ऊपर आते हैं। अभी हम इसे ढक के रखेंगे 2-3 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम लो पे करेंगे। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं और ये हमारे लौट की सब्जी बनके रेडी हो गई है। देखिए ये जो बॉल्स हैं ये ऊपर की ओर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये बॉल्स अच्छी तरह से पक चुके हैं। इनको हम टेस्ट करेंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी तरह से पक चुके हैं ये बॉल्स। अभी हम ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी भी बनके रेडी हो गई है। इसमें हम हरा धनिया डाल के सब्जी को सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी ऐसी यह लवट की सब्जी बनके रेडी हो गई है। बहुत ही पौष्टिक भी होती है क्योंकि ये तुअर की फल्ली के दानों से बनी होती है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी ये लवट की सब्जी बनके रेडी हो गई है। ये सब्जी विदर्भ में बहुत ही फेमस है, ठंडी के दिनों में बनाई जाती है, तो बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक ऐसी यह रेसिपी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आपको पसंद आएगी खाने के बाद। और यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इस तरह से नई नई रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले।